Good evening. How are you, investors? Today my topic is STP, right? आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में जानेंगे जिसके बारे में काफ़ी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर अवेयर नहीं है, ठीक है। हम एक ऐसा तरीका ढूंढेंगे जिसमें हमें मार्केट जब पिक पे हो तब हमें हमारे पैसों का क्या करना चाहिए, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हैविली हो तो, राइट। बिकॉज नोबडी नोज मार्केट कहाँ जाएगा, या 17,000 पे चला जाएगा या यहाँ से करेक्शन आ जाएगा, राइट। ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर हमको वो बोलते हैं ना कि हाथ में आया मुंह में ना लगाया, ऐसे कुछ कहावत है, राइट, कि प्रॉफिट दिखता है तब तक ठीक है, जब तक बैंक में ना आए उस प्रॉफिट को प्रॉफिट नहीं बोलते, ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊंगा एसटीपी के बारे में। अभी एसटीपी क्या है, वो कैसे काम करता है, उसके कितने फ़ायदे हैं वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो टॉपिक पे चलते हैं। अभी नाउ व्हाट इज़ एसटीपी। अभी एसटीपी एक ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि किसी भी एक फ़ंड हाउस में आप अगर इन्वेस्टेड हो, जैसे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हो, निपोन इंडिया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हो, राइट, या तो एसबीआई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हो, एसबीआई के डिफरेंट प्लान्स में इन्वेस्टेड हो, राइट। अभी मार्केट एक पीक पे है, अभी ऐसे टाइम पे आपको क्या करना चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, आपकी फ़ंड वैल्यू 12-13 लाख की हो गई है या तो 5-10 लाख की हो गई है, ठीक। ऐसे टाइम पे प्रॉफिट बुक करना गलत नहीं है, क्योंकि अभी जो आपने रैली देखी वो बहुत ही बड़ी रैली थी, राइट, जो शायद इतने सालों में कभी नहीं हुई। तो ऐसे पे प्रॉफिट बुक करना ज़रूरी है, मेरे हिसाब से तो ज़रूरी है, क्योंकि देखो मार्केट के सारे विद्वान तो यही बोलते हैं कि मार्केट में इन्वेस्टेड रहो। हाँ, नो डाउट हम इन्वेस्टेड हैं, बट अपना प्रॉफिट बुक करने के बाद इन्वेस्टेड रहेंगे। लाइक हम पैसा विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, अपना सेफ बुक कर रहे हैं। अभी सेफ बुक का मतलब क्या होता है, हमारा मान लो कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट 5 लाख का था, अभी 7.5-8 लाख रुपए हो चुका है, तो अभी हम क्या करेंगे, हम अपने म्यूचुअल फंड ब्रोकर के पास जाएंगे या तो कंपनी में जाएंगे और उन्हें बोलेंगे हमारा पूरा पैसा आप लिक्विड फंड में ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है, यहाँ पर रिडीम करके लिक्विड फंड में ट्रांसफ़र कर दो। अभी लिक्विड फंड के क्या फ़ायदे हैं, लिक्विड फंड एक फिक्स एसेट है, जैसे कि 5%, 6%, 7%, वॉट एवर द अमाउंट इज़, आई डोंट नो, डिफरेंट म्यूचुअल फंड के डिफरेंट लिक्विड फंड्स होते हैं जिसके अंदर अलग अलग टाइप के फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है। अभी एचडीएफसी एएमसी अभी 6.5 से 7% के बीच में लिक्विड फंड में फिक्स रिटर्न दे रहा है, ठीक है। तो हम अगर एचडीएफसी एएमसी जाके बोलते हैं कि हमारा पूरा जो प्रॉफिट है वो बुक कर लो और वो रिडीम करके लिक्विड फंड में डाल दो, तो अभी क्या हुआ, हमने 5 या 7 लाख रुपए रिडीम कर दिए, ठीक है। दैट मीन्स हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, जिसमें 15 से 20% या 25 से 30% का रिटर्न मिल रहा है, जो काफ़ी क्लाइंट्स के मैंने मुंह से सुना है कि मुझे 25% का रिटर्न मिला है, मुझे 20% का रिटर्न मिला है, म्यूचुअल फंड में मुझे बहुत अच्छा रिटर्न मिला है। चलो ठीक है, चलो रिटर्न तो मिल गया, अब करना क्या है, ठीक है, क्या हमको इन्वेस्टेड रहना है या हमको थोड़ा स्मार्ट मूव लेना चाहिए ताकि हमें और अच्छा रिटर्न मिल सके, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट तो बुक करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम हमारा एक पार्शियल अमाउंट, मान लो कि 7 लाख या 5 लाख का अमाउंट वहाँ से रिडीम कर लेंगे और पूरा पैसा लिक्विड फंड में डाल देंगे, और लिक्विड फंड में 5 लाख रुपए डाल दिए। अभी उसके बाद हुआ क्या, आपका जो 5 लाख रुपये है वो फिक्स एसेट में चला गया। अभी मान लो 5 लाख का 6% आपको एनुअली मिल रहा है, दैट कम्स टू मतलब 6, 12, 24 जो भी, मतलब 24 है, 24 और 6 कितना होता है 30, 30 और 6 36, ठीक है। आपका जो ये जो फिक्स रिटर्न है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसके अलावा आप उसमें से एक पार्शियल अमाउंट जो आप डिसाइड करते हो कि मेरा ये अमाउंट म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए, राइट, हम विड्रॉ नहीं कर रहे हैं म्यूचुअल फंड, हम अपना अमाउंट स्मार्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे 5 लाख में से हर महीने आप 5,000 रुपये 36 टेन्योर कर दो, लाइक 36 मंथ्स का टेन्योर कर दो, 5,000 रुपये हर महीने मार्केट में फिर से इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट। तो आपको जो फिक्स एसेट है उसका तो रिटर्न मिला ही, ऊपर से दूसरा जो रिटर्न मिल रहा है वो मार्केट में आप फिर से इन्वेस्टेड हो गए, ठीक है। तो हम हर महीने जो 5,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे वो डायरेक्टली मार्केट में जाएगा, और जो फिक्स एसेट है उसका भी रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो दोनों साइड से हमको इन्वेस्ट मिला। फॉर एन एग्जांपल, अभी मैं एक कैलकुलेशन कर रहा था, अगर मैं एसटीपी 5 साल के लिए करता हूँ तो कितना रिटर्न मिलेगा 2,000 के हिसाब से, ठीक है,
अभी मैं आपको 24 मंथ्स का एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे 5 लाख रुपये मैंने अभी म्यूचुअल फंड में डाले, लिक्विड फंड में डाले, लिक्विड फंड में मैंने डाले 5 लाख रुपये और 5 लाख का ओपनिंग बैलेंस था। अभी लिक्विड फंड का पहले ही महीने में मुझे रिटर्न जो मिल रहा है गारंटेड, मैं गारंटेड रिटर्न की बात कर रहा हूँ, 2396 राइट। अभी जो आपका वैल्यू हो गया है 5,02483 राइट, ये आपका एक वैल्यू हो गया है पहले ही महीने में बिना रिस्क लिए, ठीक है। और उसमें से जो मार्केट में पैसे इन्वेस्ट हुए हैं वो आपके हुए 20,000, ठीक है, आपके 20,000 इन्वेस्ट हो गए। दूसरे महीने क्या होता है कि आपके फिर से 21,000 इन्वेस्ट हो गए मार्केट में, अभी उसकी वैल्यू आ गई। तो मार्केट में जो इन्वेस्टेड अमाउंट है म्यूचुअल फंड की, मैं जो भी एक एग्रीगेट रिटर्न पकड़ रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए हुए पैसे और लिक्विड फंड में इन्वेस्ट किए हुए पैसे, मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि हमने जो 5,000 का इंस्टॉलमेंट किया उसमें हमें एनुअली 10% का रिटर्न मिल रहा है और जो लिक्विड फंड है उसको 6% का रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। तो हुआ क्या, 6% तो हमारा फिक्स है और जो 10% म्यूचुअल फंड का जो ग्रोथ होता है, एक एवरेज रिटर्न जो बोलते हैं वो तो हमें मिल ही रहा है राइट। तो वाइसा वर्सा हुआ क्या, हमने वो भी रिटर्न ले लिया और ये भी रिटर्न ले लिया और हम लोग इन्वेस्टेड है। तीसरी चीज़ अच्छी हो गई कि हमने प्रॉफिट भी बुक कर लिया राइट, तो हमें एक पैनिक नहीं रहेगा। तो ओवर होगा क्या, हम इसमें एवरेजली 12-13% बिना डरे हुए रिटर्न निकाल सकते हैं। मैं तो कहता हूँ जिसको नॉलेज नहीं है वो ये जो हैविली इन्वेस्टेड होते हैं म्यूचुअल फंड में, ठीक है, उनको भी बताना ज़रूरी है कि प्रॉफिट बुक करना और रेगुलर इन्वेस्टेड रहना दो अलग सब्जेक्ट है, ठीक है। और हमें एक स्मार्ट इन्वेस्टर के हिसाब से काम करना है, हमें प्रॉफिट बुक नहीं करना है, हमें पैसा स्विच करना है लिक्विड फंड में फॉर टाइम बीइंग, कि मैं इन्वेस्टेड तो हूँ बट मेरे फिक्स अमाउंट कर देता हूँ मैं, जो भी मैंने कमाया है अभी उसमें से हर महीने में एक पार्शल अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। इससे हुआ क्या, आपने प्रॉफिट भी बुक कर लिया, आप इन्वेस्टेड भी हो। तीसरी बात, आपको रिटर्न जो इतने रैली के बाद दिखा था राइट, वो जो 36-35% या 20-25% जो भी दिखा था वो तो फ्यूचर में नहीं दिखने वाला है, ठीक है। तो अभी जो है हम इतना तो फिक्स कर सकते हैं कि 12-13% हमको आराम से रिटर्न मिलता रहे, इसमें एग्रीगेट 12-13% 13% आराम से रिटर्न निकल सकता है। अगर आपको इसमें अवेयरनेस नहीं है तो मैं आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, उसके फ़ायदे नुकसान जो भी कुछ है इसमें आ जाएंगे, ठीक है। आप थोड़ा सा स्टडी कर लेना इसमें, मैं इससे ज़्यादा आपको डिटेल में बता तो सकता हूँ बट उसके लिए लगभग आधा एक घंटा लग जाएगा राइट। मैंने आपको बेसिक डिटेल दे दी। आप आपके म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से भी पूछ सकते हो या तो आप डायरेक्ट कंपनी में भी जाके पूछ सकते हो कि मैंने जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो अभी कितना है, उसका वैल्यू कितना है और ठीक है, और मैं इसको कैसे STP में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ और उसमें से हर महीने पर। हाँ, और एक चीज़, आप ये उसी फंड हाउस में कर सकते हो जिस फंड हाउस में आप इन्वेस्टेड हो। फॉर एन एग्जांपल, आप HDFC AMC में इन्वेस्टेड हो तो HDFC AMC का ही आपको एक लिक्विड फंड लेना पड़ेगा और उसमें से STP करना पड़ेगा, जो भी एक ग्रोथ फंड है या मिड कैप है, स्मॉल कैप फंड है राइट, जो भी फंड है आप एग्रीगेट सेलेक्ट कर लेना, उसके अंदर बोलना मेरे को 7 लाख है, 7 लाख में से हर महीने 3,000-4,000 रुपये मेरे म्यूचुअल फंड में रेगुलर जाने चाहिए, तो आप मेरा इसमें से STP का फॉर्म भर दो, हर महीने उसमें से एक फिक्स अमाउंट कट के आपका उसमें चला जाएगा। तो आपको फिक्स एसेट भी मिल गया और आपको रिटर्न भी चालू है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड भी हो, लिक्विड फंड में भी फिक्स रिटर्न में भी इन्वेस्टेड हो और मार्केट में भी इन्वेस्टेड हो। तो आपके इसमें कैसे हो गए, दोनों तरफ के रिटर्न मिल गए, तो एग्रीगेट रिटर्न आप 12-13 पकड़ के चलो, ठीक है, और बिना रिस्क के। सबसे बड़ी बात है आप रिस्क नहीं ले रहे और चौथी बड़ी बात, आपने प्रॉफिट भी बुक कर लिया, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच, कीप इन्वेस्टिंग, स्टे इन्वेस्टेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।